स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं ज़फीन होस्ट का, मोहम्मद इब्राहिम वड़ाइश मेरा नाम है। और डोमेन एंड वेब होस्टिंग क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे देता हूं। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन, डोमेन, आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है zafinhost.com, तो ये मेरा डोमेन है। लेकिन मैंने डोमेन ले लिया तो इसके बाद मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी, उसका डिज़ाइन क्या होगा, वो डिज़ाइन करने के बाद मुझे अपनी फाइल्स कहीं पे अपलोड करनी है, उसके लिए आपको होस्टिंग सर्वर चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली मेरी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ज़फीन होस्ट का ये लाइन ऑफ बिजनेस है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसमें शायद बहुत सारे लोगों को इंतज़ार भी होगा, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी आया होगा कि व्हाट इज़ ज़फीन। तो मेरा नाम तो ज़फीन है नहीं, और आप लोगों में से शायद किसी ने किसी का नाम ज़फीन सुना भी नहीं होगा। तो ये इसके पीछे स्टोरी क्या है, तो ये मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों के साथ कन्वे करता हूँ। इसके लोगों को अगर आप गौर से देखें, जो इसका आइकन है, ये जी के अंदर एक हॉर्स का आइकन मर्ज हुआ है। तो ज़फीन बेसिकली किसी पर्सन का नाम नहीं है, ये एक हॉर्स का नाम है, जिससे इंस्पायर होकर मैंने अपनी कंपनी का नाम ज़फीन रखा, और जिसकी स्टोरी ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। और वो स्टोरी ये है, एक मुल्क में घोड़ों की रेस हुई थी, जिसमें एक घोड़ा था जिसका नाम ज़फीन था, और वो घोड़ा सबसे कम उम्र, फिजिकली सबसे कमज़ोर घोड़ा था, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया कि ये तो शायद फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच सकता, रेस जीतना तो बहुत दूर की बात है। उस घोड़े ने वो रेस दौड़ी, वो घोड़ा उस रेस को जीता, और बैक टू बैक उसने डिफरेंट रेसेस जीती, डिफरेंट रिकॉर्ड्स बनाए, और वर्ल्ड वाइड अपने आप को मनवाया। तो इससे एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको दूं या कोई आपको आके देगा। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो आप एक जानवर से भी ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से आप मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक वो स्पार्क होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं। तो आपको मोटिवेशन हम जैसे लोगों की भी समटाइम्स ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने ओन पे बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब मकसद ये है कि ज़फीन से मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ, या आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ये कैसे किसी न किसी तरह के कनेक्ट करते हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़फीन को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया उसके अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि उसकी फिजिकली जो उसकी अपेयरेंस थी उसकी वजह से और उसकी उम्र की वजह से। तो ये चीज़ मेरे साथ बड़ी कनेक्ट कर रही थी जब मैं ये कंपनी स्टार्ट कर रहा था आज से 5 साल पहले। मेरी उम्र की वजह से और मेरे क्वालिफिकेशन की वजह से, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया। तो अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ का ओवरव्यू दूं, तो मैंने 2014 में अपनी स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट की थी मेरे फादर की डेथ के बाद, जब मेरे घर वालों के पास मेरे स्कूल के फीस देने के पैसे नहीं थे, और 2 साल मैं अपने स्कूल में फ़ी कंसेशन पे मैंने स्टडी किया। और इसके लिए मैं अपने स्कूल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया उस टाइम में। अच्छा, इसके बाद जब मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, मैं कॉलेज गया, लेकिन मैं ड्रॉप आउट हो गया क्योंकि मैं अपना करियर जो है उसको बनाना चाहता था, मैं फुल टाइम इसको फॉलो अप करना चाह रहा था, और मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीसेज अफोर्ड करता, क्योंकि वालिद साहब भी नहीं थे मेरे साथ। तो मैंने अपना करियर का आगाज़ किया, मैं ओकाड़ा से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, लेकिन मैं इस्लामाबाद मूव हुआ 6 साल पहले, और मैंने यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स की समटाइम्स, क्योंकि अपने घर में आप रहते हैं आपको कोई एक्सपेंस नहीं होता, जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं और ऑल अलोन होते हैं, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट काम किए, बिजनेसेस किए, फ्रीलांसिंग की सीखा, समटाइम्स मैंने ऊबर क्रीम पे गाड़ी चला के भी अपने मंथली जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट किया। और अगर मैं अपने रिसेंट इवेंट्स की बात करूँ, मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, 2022 में मैंने अपनी खुद की अर्निंग की पहली सेडान कार होंडा सिटी मैंने खरीदी। और अब यहाँ पे जो चीज़ है ये आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो गाड़ी मैंने खरीदी उसके कुछ ही दिन बाद गाड़ी की ट्रीट देने के लिए मैं अपने दोस्तों को साथ लेके इस्लामाबाद F7 जा रहा था खाना खिलाने के लिए, कि रस्ते में एक रेकलेस ड्राइवर ने मुझे लेफ्ट साइड से हिट किया, मेरी गाड़ी मेन इस्लामाबाद हाईवे पे डिवाइडर पे चढ़ के दरख्त में लगी, जिसके बाद वो गाड़ी कम्प्लीटली तबाह हो गई और मैं बैडली इंजर्ड हुआ, मेरे दोस्त बैडली इंजर्ड हुए। मैं अपनी इंजरीज की बात करूं, मेरी क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर आया, मेरी बैकबोन पे कंप्रेशन फ्रैक्चर आया, मेरा नी बैडली इंजर्ड हुआ, और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मैं अनकॉन्शियस था और मेरा सांस जो है वो बिल्कुल बंद होने के करीब था, जिसकी वजह से इमरजेंसी डॉक्टर ने मेरा ऑपरेट किया, मुझे चेस्ट ट्यूब डाली गई, इंटरनल ब्लीडिंग रिलीज की गई,
और जिससे दोबारा मैं होश में आया कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो सबसे डिप्रेसिंग चीज़ डॉक्टर्स ने बताई वो ये बोली थी कि ये बच्चे की जान बच गई है लेकिन शायद ये कभी अपने पाँव पे चल ना सके क्योंकि इसकी जो बैकबोन पे इंजरी है वो काफ़ी सीरियस हो सकती है। तो इट कुड टेक 6 मंथ्स टू डिटरमाइन कि ये वापस अपने पाँव पे चल सकता है या नहीं। तो उस टाइम पे मेरी अल्लाह तआला से एक दुआ थी कि मैं बिल्कुल भी हैंडीकैप नहीं होना चाहता। गाड़ी गई है कोई मसला नहीं है, मैंने मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं की थी, मैं अपने पैसों से खरीदी थी, मैं दोबारा खरीद लूँगा। लेकिन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 मंथ्स की बजाय विद इन 3 मंथ्स मैंने दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हुआ, मैंने चलना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस्लामाबाद लेवल पे या अगर अपने शहर की बात करूँ तो एक अच्छा स्लैलम स्केटर माना जाता हूँ। ये मेरी हॉबीज़ में है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। इसी रिसेंट जो सेटबैक था इसके बाद मेरे पास एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट था कि मुझे ये डिसाइड करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बेड रेस्ट पे रहने के बाद और बिजनेस काफ़ी उसमें लॉस आने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे, दो ऑप्शंस थी कि या तो मैं दोबारा से दिन रात मेहनत करूं और अपना करियर बनाऊं या अपने घर वालों की ख्वाहिश के मुताबिक मैं शादी कर लूँ। तो एक साइड पे शादी वाली ऑप्शन थी, एक साइड पे करियर था। तो मैंने बड़ा सोचा, बड़ा क्रिटिकल डिसीजन था और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं शादी कर लूँ। इसके पीछे जो मेन रीज़न थी, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव थी। जब मैंने उनसे शेयर किया कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस आपके सामने है और मैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा हूँ, तो आपका जो फैसला है मेरे से शादी करने का जो पहले था, तो क्या आप उसको चेंज करना चाहेंगी? तो उनका बड़ा फर्म रिस्पॉन्स था इसके ऊपर कि एब्सोल्युटली नॉट। तो इसके लिए मैं अपनी वाइफ का भी थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने ये बोला कि हम सब कुछ मिलके बनाएंगे दोबारा, पहले भी आपने बनाया था और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप दोबारा भी ये काम कर सकते हैं। एट लास्ट मैं उन लोगों से खास तौर पे बात करना चाहता हूँ जो यहाँ पे बैठे हैं, जो अपना $1 भी नहीं अभी तक अर्न कर रहे हैं, जो इस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आप में से 70% लोग जिनसे मैं मिलता हूँ इस चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं कि हम कौन सा स्किल सीखें, किसका स्कोप है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैंने देखा है इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और डिफरेंट यंगस्टर्स को कंफ्यूज। तो उसके लिए हर उस चीज़ का स्कोप है जो आपको अच्छे से आती है। तो कोई भी एक स्किल पकड़ें, इट कुड बी वीडियो एडिटिंग, इट कुड बी वेब डेवलपमेंट, इट कुड बी ग्राफिक डिजाइनिंग, एनीथिंग दैट यू लव, जो आपको करना अच्छा लगता है उसको पकड़ें, उसको सीखें, उसको मास्टर करें और उसमें एक्सेल करें। जिस दिन आपने उस स्किल से अपने $5-10 भी अर्न कर लिए, आपके अंदर एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अब किसी काबिल हूँ, मैं एटलीस्ट अगर 10-20-50,000 भी कमा रहा हूँ तो मैं अपना कमा रहा हूँ, मैं अपने घर वालों पे बोझ नहीं हूँ और मैं इस 50,000 को 50 लाख बनाऊंगा आने वाले अगर आप 5 साल का टारगेट रख लें। तो ये आप लोगों के लिए मेरी सजेशन थी। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे हैं, अगर आप में से कोई कनेक्ट करना चाहता है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।